लगातार अगर जम्मू की बात की जाए तो कोविड के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और प्रशासन की तरफ से पहले ही अलर्ट किया गया था कि आप अब अवेयर हो जाएं, जिससे लगातार अब भी केसेस जो है वो कोविड के देखने को सामने आ रहे हैं। अब उसी चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है वो चीज़ें भी की जा रही हैं और जो कंटेनमेंट जोन है वो भी डिक्लेयर किए जा रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पहले भी ये प्रशासन द्वारा कहा गया कि जहां पर भी तीन या तीन से ज़्यादा केसेस जो हैं अगर कोविड के पाए जाते हैं तो उस पूरी लेन को जो है कोविड माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो प्रशासन द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया था। कल भी एक एरिया किया गया, उससे पहले भी दो एरिया जो थे वो माइक्रो कंटेनमेंट जो जोन थे उन्हें डिक्लेयर किया गया। और अभी अगर बताया जाए तो जानीपुर का लेन नंबर 5 बूटा नगर पलोड़ा का जो एरिया है उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। लेन नंबर 5 बूटा नगर पलोड़ा और ये तहसील जम्मू नॉर्थ और पुलिस स्टेशन जो है वो जम्मू जानीपुर के अंदर जो है पुलिस स्टेशन जानीपुर अंदर के अंदर ये लेन आती है, ये एरिया आता है। और यहाँ पर भी ये बताया गया है कि जो केसेस हैं कोविड के वो आए हैं और ये पहले प्रशासन ने कहा था कि जहाँ पर भी तीन केसेस ज़्यादा केसेस जो हैं वो एकदम से आ जाएंगे तो वो हमारी तरफ से माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। इससे पहले कल भी जो है वो भी जानकारी आई थी कि सिद्धरा के जो पुलिस स्टेशन सिद्धरा के अंदर जो एरिया आता है उसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया था। जो लेन नंबर 28 तवी विहार सिद्धरा तहसील जम्मू और पुलिस स्टेशन ये नगरोटा के अंदर आता है उसे भी डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद लेन नंबर 1 नियर केसी हुंडई शोरूम छन्नी रामा इसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया था। और इससे पहले जनरल लेन जो थी सरस्वती विहार नियर हजूरी बाग तलातिलो की उसे भी माइक्रो कंटेनमेंट जो जोन है वो डिक्लेयर किया था। और प्रशासन की तरफ से लगातार ऐसे जो है कदम उठाए जा रहे हैं कि लोग अवेयर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं और केसेस उसी को देखते हुए बाहर जो है सामने भी आ रहे हैं कि जो प्रशासन उसकी तरफ से ये भी अब कंडीशंस लगाई जा रही है। जैसे पहले अगर जम्मू की अंदर जो एंट्री होती थी लखनपुर से वहाँ पर कोविड के केस यानी कि जो रिपोर्ट थी वो बंद कर दी थी, वो आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता था, लेकिन अब जिनका पहले बता दिया गया था जिनके दो जो इंजेक्शन होंगे जो लगाए जाते हैं कोविड को लेकर अगर वो हैं तो उनसे उन्हें जाने दिया जा रहा है और फिर से वहाँ पर टेस्टिंग जो है लखनपुर में देखने को मिल रही है। हालांकि ये मैक्सिमम जो है जो इंटरनेशनल फ्लायर्स हैं जो बाहर के मुल्कों से यहाँ आ रहे हैं और ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है उसको लेकर ही काफ़ी ज़्यादा जो है चिंता प्रशासन को भी है, सरकार को भी है, उसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो अडेयर देखा जा रहा है और ऐसे कदम भी उठाए जा रहे हैं जिससे लोग जो हैं अवेयर हो और साथ साथ में चालान भी देखा जा रहा है कि मास्क को लेकर किया जा रहा है। अवेयर रहें अभी भी, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो 4 एरिया जो है अभी तक जम्मू के अंदर जो है वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। आने वाले समय में कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि इस तरह के केसेस और बढ़ सकते हैं और जनवरी और फरवरी के एंड तक ये कहा जा रहा है कि शायद अभी जो थोड़े थोड़े केसेस दिखाई दे रहे हैं वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। अभी जो दिन में अगर हमें दिखाई देता है 20 केसेस आए हैं, 25 केसेस आए हैं, 50 केसेस आए हैं, अगर अभी भी हम अवेयर नहीं हुए जो पहले SOPs कही जाती थी, जो पहले हमें नॉर्म्स कहा जाता था फॉलो करने के लिए, अगर हम वो नहीं करेंगे तो शायद अगले साल फरवरी एंडिंग तक ये केसेस जो है हाथ से निकलने वाली बात होगी और पहले जैसा ही माहौल फिर जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। इसलिए फिर फिलहाल यही अपडेट जो है ये पलोड़ा से आ रही थी जहां पर लेन नंबर 5 बूटा नगर का जो एरिया है उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, 10 सेंट्रल के लिए नमस्कार।